एलेयरा एक साउथ इंडियन डिज़र्ट है जिसे ज़्यादा तौर पर ओनम या फिर किसी स्पेशल ओकेजन पे बनाया जाता है। कई लोग इसे घी से बनाते हैं, पर एक सिंगल इंग्रेडिएंट बदलकर इसी डिश को वीगन और हेल्दी बनाया जा सकता है। डो बनाने के लिए हम सबसे पहले 1.5 कप चावल का आटा लेंगे, जिसे हम गुनगुने पानी में गूंद लेंगे। अब स्टफिंग बनाते हैं, जिसके लिए हम एक पैन को मीडियम हीट पर गर्म कर लेंगे और फिर उसमें 2 बड़े चम्मच नारियल का तेल, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और 1.5 कप ताज़ा कद्दूकस किया नारियल डालकर लो हीट पर 2 मिनट तक के लिए भून लेंगे। अब इस मिक्सचर में 1/2 कप गुड़ डालकर घुलने तक पकाएंगे। अब ये हो गई एलेयरा की स्टफिंग तैयार। एलेयरा को ट्रेडिशनली केले के पत्ते में बनाया जाता है, जिससे ये रेसिपी और भी हेल्दी हो जाती है। केले के पत्तों को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है और थोड़ा सा नारियल का तेल लगाकर उस पर एक रोटी के पेड़े के साइज का डो लगा देंगे और हल्के हाथ से उसे पत्ते पर स्प्रेड कर लेंगे। अब डो के बीच में 1 चम्मच स्टफिंग डालकर डो को फोल्ड कर लेंगे और हल्के हाथ से दबाते हुए कॉर्नर सील कर लेंगे। अब एलेयरा को स्टीमर या इडली मेकर में 10 मिनट तक हाई हीट पर स्टीम कर लेंगे। एलेयरा को वार्म या फिर रूम टेम्परेचर पर केले के पत्ते में ही सर्व किया जाता है। जब हम केले के पत्ते को कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं तो उससे खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा कई ज्यादा बढ़ जाती है। अब सर्दियां आने ही वाली हैं और अगर आप भी मेरी तरह सर्दियों में गुड़ खाना पसंद करते हैं तो आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट्स में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसी कई स्वादिष्ट रेसिपीज़ के लिए आप पीपल फार्म वीगन किचन चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।